अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी शहर भर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे पूरा माहौल भगवामय हो गया और चारों तरफ जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे। स्कूली छात्राओं द्वारा निकाली गई इस शोभा यात्रा में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस शोभा यात्रा में हाथों में ध्वज लेकर नाचती गाती छात्राएं जहां जहां से गुजरी वहां वहां लोगों ने उनका स्वागत किया और माहौल राममय हो गया। इस मौके पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि आज का दिन उत्सव ही नहीं बल्कि महा उत्सव है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर बना है, क्योंकि ये 500 वर्षों पुराना हर किसी का सपना है। अगर ये खुशी एक दिन की नहीं, हमें सालों साल मनानी चाहिए, क्योंकि अयोध्या जो बना है हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत खुशी है कि पूरे हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में आज जय श्री राम गूंज रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम और भी नाचें और भी खुशियां मनाएं। मुझे सिर्फ जय श्री राम ही बोलना है और देश में नहीं विदेशों में भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वहीं शोभा यात्रा में शामिल हुई छात्राओं ने कहा कि आज भगवान श्री राम का जय घोष करके उन्हें बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रसन्नता हुई। छात्राओं ने कहा कि आज 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हुआ है, जिसको लेकर वह बहुत उत्साहित हैं। एक उत्सव नहीं था, महा उत्सव था। मुझे लगता है कि हम सबका सौभाग्य है कि मोदी जी के आशीर्वाद से आज हम सब ये दिन देख पा रहे हैं और इतिहास जब लिखा जाएगा, जैसे पिछले लोगों का लिखा गया राम लल्ला टेंट में कब रहे, उन लोगों के नाम आए, जब इतिहास लिखा जाएगा कि राम लल्ला अपने अयोध्या के मंदिर में विराजमान कब हुए, तो हम सबको वो सौभाग्य वो नाम मिलेगा। ऐसा हम लोगों ने आज पुण्य कमाया है, आशीर्वाद प्राप्त किया है। मुझे लगता है आपने देखा हज़ारों की तादाद में भीड़, पूरी मार्केट में सब ने स्वागत किया और सब उत्साहित थे आज के इस उत्सव के लिए, महाउत्सव के लिए। मुझे लगता है इससे बड़ा उत्सव अगर हम अपने परिवार में 10 शादियां 50 शादियां भी गिनवा देना, इससे बड़ा उत्सव कोई नहीं हो सकता। पीढ़ी आएगी, जो नई पीढ़ी आएगी वो हमारा एक एग्जाम्पल होगा, बच्चे समझेंगे कि आज के दिन एक इतिहास लिखा गया, तो मैं बहुत अत्यंत खुशी जाहिर करता हूँ। सैकड़ों की संख्या में छात्राओं द्वारा निकाली गई इस शोभा यात्रा से पूरा माहौल भगवामय हो गया और चारों तरफ जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।